While the Aam Aadmi Party is facing a mounting controversy over its law minister in Delhi, another one of its very prominent faces, Kumar Vishwas, who has of course grabbed the headlines for his decision to take on Rahul Gandhi in Amethi, also found himself on the wrong side of the headlines. This for an earlier comment made by him several years ago, in fact 5 years ago, at one of his Kavi Sammelans, in which he jokingly referred to the nurses from Kerala as Kali Pili. He's been slammed for being both sexist and racist, and since then he has apologized for those remarks, but he's also demanded to know why film stars and politicians like Shatrughan Sinha and Raj Babbar should not be equally apologetic about the kind of roles that they have performed on the big screen. Is that a convincing argument? Well, joining us now is Dr. Kumar Vishwas himself. Like we said, he is in Amethi. These headlines coming on a day when Rahul Gandhi, whom he is challenging, is also in Amethi, but more on that later. Kumar ji, sabse pehle aapse poochna chahungi, aapne aaj माफी मांगी एक तरह से, आपने कहा कि अगर किसी को भी मेरे इन रिमार्क से दर्द पहुंचा हो तो मैं अपोलोजाइज करता हूं, लेकिन आपने साइमल्टेनियसली ये भी कहा कि फिल्मों की तरफ देखें तो जो शत्रुघ्न सिन्हा या राज बब्बर करते हैं उनको भी माफी मांगनी चाहिए. आर यू कंपेयरिंग योर रोल एज अ पोएट विद दीज फिल्म स्टार्स? क्या आपको लगता है ये एक ही बात है? देखिए बरखा जी, एक तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के इन राजनीतिक लोगों को जो राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने के बाद से दैनिक रूप से लगभग 2 दर्जन मुकदमे मेरे खिलाफ कर रहे हैं, मैंने चुनौती देता हूं कि मेरे द्वारा लिखी हुई, मेरे द्वारा पेन डाउन मेरी किताबें आ चुकी हैं 2 जी. अगर एक भी कविता की पंक्ति ऐसी ढूंढ के ला दें जिसमें किसी की भावनाएं आहत हुई हों तो मैं आज राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव छोड़ दूंगा. मैं चुनौती दे रहा हूं, ये सारे लाखों घंटे की वीडियो क्लिप देख लें, अगर एक लाइन मैंने पोइट्री कैसी लिखी हो. आपको नहीं लगता कुमार जी? कुमार जी, पूरी बात कह लूं, एक सेकंड जी. बोले बोले. मैं ये कह रहा हूं अगर एक भी कविता की पंक्ति ला दें जिसमें किसी की भावनाएं आहत हुई हो तो मैं आज ही राजनीति छोड़ दूंगा, राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ना छोड़ दूंगा. नंबर 2 बात, हमारा जो कवि सम्मेलन होता है, हमारा जो स्टैंड अप कॉमिक होता है जिसको मैंने किया IITs IIM में, वो 1.5 से 2 घंटे की परफॉर्मेंस होती है. उसमें 2 कविताओं को ग्लू करने के लिए बीच में एक ऐसा संवाद होता है जो पॉलिटिकली इनकरेक्ट होता है, जो रसल्स भी करता है, पीटर रसल्स भी करता है, जो सारे कॉमिक स्टैंड अप आर्टिस्ट करते हैं. उसमें मैंने वकीलों के बारे में बोला है, महिलाओं के बारे में बोला है, पत्नी के बारे में बोला है, मैंने डॉक्टर्स के बारे में बोला है, तमाम लोगों के बारे में. उसका कोई मतलब नहीं होता है, वो उसी समय तात्कालिक हास्य होता है. अब 2006, 2003, 2005 की इन चीजों को खंगाल कर अगर ये प्रदर्शन करा रहे हैं, अगर ये मेरे खिलाफ FIR करा रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि इनके युवराज राहुल गांधी कितनी बुरी तरह हारने वाले हैं. फिर भी मैंने लगातार ये कहा कि अगर मेरी तब भी किसी कही हुई बात से, इवन जब मैं पैदा हुआ था तब, हो सकता है मैं बचपन में जब 1 साल का रहूंगा बिना पसजी घूमा हूं, किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो गई हो मेरे ऐसा घूमने से, मैं उस सबसे भी माफी मांगता हूं कि साहब बड़ी क्षमा दीजिए, मुझसे गलती हुई होगी, मुझे ह्यूमर में भी ऐसी कोई स्क्रिप्ट नहीं बोलनी चाहिए थी जो मुझे किसी ने दी थी या मुझे वहां पढ़नी थी या मुझे उस समय याद आई. लेकिन मेरी एक पंक्ति कविता की ढूंढ कर लाइएगा और मैं आज ही राजनीति छोड़ दूंगा, पोएट्री छोड़ दूंगा. लेकिन अगर आप ओमान चांडी साहब लेटर लिखेंगे, उनके कांग्रेस के गुंडे हमारे दफ्तर को तोड़ेंगे, तोड़फोड़ करेंगे और उसके बाद हमसे माफी मंगवाएंगे, तो कांग्रेस माफी मांगे पूरे देश से कि उसने किस हालत में पहुंचा, राहुल गांधी माफी मांगे अमेठी में सड़कें किस बुरी तरह की हालत है, यहां लोग बाग मर रहे हैं, लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है. इसलिए अगर कांग्रेस ये सोचती है कि उनके युवराज का उड़न खटोला इन सारे मुकदमों से नीचे उतर जाएगा तो वो गलतफहमी में. इस बार अमेठी में लैंडिंग बहुत मुश्किल है, 100 मुकदमे करो या 200 मुकदमे करो. बाकी अगर किसी को भी हर्ट हुआ है तो मैं उससे माफी मांगता हूं. मैं बार बार कह रहा हूं, 1000 बार मांग चुका हूं, 2000 बार मांगूंगा, 5000 बार मांगूंगा, उससे मेरा कद छोटा नहीं होता. जहां तक मुझे आपकी बात समझ आ रही है, आप एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ कर रहे हैं अपनी कविताओं और अपने एक रोल एज अ स्टैंड अप कॉमिक के बीच में. आप कह रहे हैं कि मेरी पोएट्री जो है वो ना सेक्सिस्ट है, ना रेसिस्ट है, ना एंटी वुमेन है, ना एंटी एनी ग्रुप है, लेकिन हाँ एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन मैं आई हैव थ्राइव्ड ऑन बीइंग पॉलिटिकली इनकरेक्ट. मैं आपको आपके 2 क्लिप्स प्ले करके बताना चाहती हूं. आप भी जानते हैं पुराने क्लिप्स हैं, लेकिन अपने दर्शकों को भी हम सुनाना चाहते हैं कि ये कंट्रोवर्सी किस बात को लेकर शुरू हुई. पहले केरला नर्सेस की बात हमारे दर्शक सुन सके, एंड देन आई विल कम टू यू कुमार विश्वास फॉर योर रिस्पॉन्स. सही बता रहा हूं आपको, पहले आदमी बीमार पड़ता था बेचारा पुरुष और जाता था अस्पताल में तो तसल्ली रहती थी. पहले नर्सें जो थी वो केरल से आती थी, काली पीली सी, तो मुंह से ही सिस्टर निकलता था, अंदर से आवाज आ जाती कि हाय अल्लाह सिस्टर ही हो. बहुत सारे लड़कियां इसीलिए प्रोफाइल पे फोटो लगाती नहीं है कि पता नहीं क्या हो जाए. अब आजकल तो नर्स भी नॉर्थ इंडिया की आने लगी,
एकदम बिल्कुल शानदार। मैं भी पीछे बीमार पड़ा, तबीयत खराब थी, तो मेरे दोस्त हैं उनका बड़ा अस्पताल है, वो ले गए बड़े अच्छे वार्ड में मुझे रखा। तो वो सुबह सुबह नर्स आ जाती थी कि मालिक के दोस्त हैं, नहाई धोई ब्लशर ब्लशर लगाए परफ्यूम उड़ाती हुई, मैं तो वैसे ही बीमार था। वो तुरंत मेरी कलाई पे दो उंगलियां रखती, आंख में आंख डालती और जोर से सांस लेके कहती, हाय राम आपकी तो पल्स बहुत तेज चल रही। अरे मैंने कहा ये सांस्कृतिक हरकत मेरे साथ करेगी तो पल्स क्या सुरेंद्र शर्मा जी की तेज। ना कुमार विश्वास जी, बहुत से लोग हंसे, इट वॉज ऑब्वियसली अ हिट विद द सम्मेलन दैट यू आर एट, लेकिन आज जो सवाल उठ रहे हैं वो सिर्फ कांग्रेस की तरफ से नहीं उठ रहे। देर आर वुमेन हु हैव ज्वाइंड योर पार्टी, मल्लिका साराभाई उनमें से एक हैं, एक सैरा जोसेफ है केरला में, उन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, वो भी कहती हैं वो बहुत डिस्टर्ब्ड हैं। जब आप एक हंसी मजाक में भी कहते हैं कि कोई काली पीली है, यू आर मेकिंग फन ऑफ देयर रंग, आप उनके रंग का एक तरह से मजाक उड़ा रहे हैं, आप कह रहे हैं उन औरतों को तो मैं बहन के रूप से ही देखूंगा। आप जब ये दोबारा सुनते हैं आपको थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि आपने ऐसा जोक क्रैक किया? बरखा जी, पहली बात तो मैं बता दूं, हिंदुस्तान का हर आदमी रसल पीटर्स को सुनता है, वो ब्राउन्स पे पूरी एक सीरीज सुनाता है और हम सब इंटेलेक्चुअल्स अपने घर में बैठ के उसके सेंस ऑफ ह्यूमर को सराहते हैं और हम चाहते हैं कि सब उसके शो में सबसे आखिरी सबसे पहली पंक्ति पर बैठे। मैं बाकी कॉमेडिक जो कॉमिक एक्ट करते हैं हिंदुस्तान में उनके नाम नहीं लूंगा, उनकी सीरीज खंगाल लीजिए, वो लगातार ऐसे ही करते हैं। दूसरा बरखा जी, आपके दर्शकों को बात सामान्य रूप से समझ में आ रही होगी कि कोई कुछ भी प्रयास करे, अगर ये 2006 की वीडियो है और इस पर 4 लाख 5 लाख 7 लाख क्लिक हैं, औसम कुमार विश्वास, एक्सीलेंट कुमार विश्वास, क्या बढ़िया ह्यूमर है इस बंदे का, वाओ, अगर ये आईआईटी है, अगर ये आईएम है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ब्रेन बैठा हुआ है, तो ये आज तक क्यों नहीं आया? क्योंकि सबको पता है कि ये मूड ऑफ द मोमेंट में एक कॉमिक आर्टिस्ट अपनी दो पोएट्रीज को जोड़ने के लिए कह रहा है। उसके बाद मैं फिर कह रहा हूं कि अगर किसी को भी ये लगा, और मुझे भी लगता है कि अगर ऐसा है कॉमिक आर्टिस्ट के रूप में भी नहीं होता, तो भी मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन क्या जो बोल रही है, मैं उनका नाम नहीं लेता, जो बोल रही है, मैं दामिनी कांड में 3 दिन गया था वहां पर विरोध प्रदर्शन करने, तीनों दिन मुझे पुलिस ने मारा, आपका कैमरा था, मुझे तो ये नहीं दिखाई दी थी जो आज बोल रही है। आप जो हमारे साराभाई अपनी ही पार्टी की, आप मल्लिका साराभाई आपकी अपनी की अपनी ही पार्टी की मेंबर है कुमार जी। बरखा जी, मैं मल्लिका साराभाई से कभी मिला नहीं, मैंने जाना नहीं, हमारी पार्टी ने ओपन मेंबरशिप खोल रखी है, उसमें 1 करोड़ लोगों का लक्ष्य है, 55 लाख हो गए हैं, उसमें अगर कोई भी व्यक्ति आकर मेरा पुराना कवि सम्मेलन देखकर हमारी पार्टी के बारे में धारणा बनाता है तो मैं उसकी औसत बुद्धि के बारे में तरस खा सकता हूं। मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी जी जो वंशवाद के प्रतीक है, जो इस देश की 10 साल की दुर्गति के एक बहुत बड़े अपराधी हैं, उनकी आंखों में आंखें डालना क्या इतना बड़ा अपराध है कि हिंदुस्तान के इतने सारे लोगों को गुमराह करके लगातार एफआईआर कराई जा रही है? श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट कोई है, उसने भी कर दी है कि मैंने भगवान शंकर पर चुटकुला सुनाया था, एक तरफ दूसरे वर्ग ने कर दी है। तो अगर सचमुच में किसी की भावना आहत हुई है तो मैं बार 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 कह रहा हूं कि मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आप मुझे बताएं कि मुझे कहां मारना है, मुझे कहां दंडित करना है, पुतला क्यों जला रहे हो? कुमार विश्वास लाइव आता है ना, आप मुझे बताइए कहां पीटना है, मैं वहां पहुंच जाता हूं, मेरे खिलाफ क्या मुकदमा करना है, मुझे कहां जमा कराना है। लेकिन जरा इस देश के बारे में भी सोच लीजिए। आज मैं देख रहा था दिल्ली की महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष मेरे बारे में प्रदर्शन करने को कह रही थी, बरखा जी नाम है उनका, बरखा शुक्ला जी, बरखा शुक्ला सिंह, मेरा नाम नहीं है, कंफ्यूज मत होना आप ना, उनका नाम है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो पूर्व अध्यक्ष है कांग्रेस की नेता, उनको इस बात पे शर्म नहीं आई कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में दामिनी 3 घंटे सड़क पर पड़ी रही? उन्हें इस बात पे शर्म नहीं आई कि उनकी दिल्ली में जब उनका राज्य था एक बच्ची के साथ इतना बलात्कार हुआ और हम 3 दिन वहां पुलिस की मार खाने गए? आज वो 6 साल पुराने मेरे एक स्क्रिप्टेड शो की सीरीज लेके कह रही है कि मैंने महिलाओं का अपमान कर दिया। तो हमें मत सिखाइए, सुरेंद्र शर्मा ने पूरी जिंदगी पत्नी पर चुटकुले सुनाए। बरखा जी मुझे बताइए, आप वीडियो देखिएगा, मेरे वीडियो में एक टिप्पणी आती है, मैं मुझे एक बार यमराज मिले, मैंने यमराज से पूछा, इसका मतलब मैं यमराज से मिला क्या, मैं मर गया क्या, कैसी बातें ये लोग कर रहे हैं। मैं लगातार कहता हूं, एक बार मुझे वहां फला आदमी मिला, मैंने उससे ये कहा, एक बार मैंने रेल के इंजन से पूछा, यार ये बताओ पहले तुम काले होते थे आजकल तुम चमक कैसे गए, तो इसका मतलब रेल के इंजन ने मुझसे बात कर दी। रामचरितमानस में भगवान कहते हैं, हे खगमग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी, हे पशु पक्षियों मुझे बताओ कि तुमने मेरी सीता जो मृगनैनी है वो देखी है? तो भगवान के पशु पक्षी से बात कर रहे हैं राम क्या? ये सब एक पॉलिटिक जस्टिस है। आप कह रहे हैं कि आपको बहुत लिटरली लिया जा रहा है, यू आर सेइंग यू बी इंटरप्रेटेड वेरी लिटरली, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने बहुत एब्सोल्यूटिस्ट स्टैंडर्ड्स रखे हैं बाकियों के लिए, तो अब आपको ये तो एक्सेप्ट करना होगा कि जितनी स्क्रूटनी आपने दूसरे नेताओं पर की उतनी ही आपके ऊपर भी होगी, यू हैव टू लिव बाय द स्टैंडर्ड्स दैट यू सेट फॉर योरसेल्फ। तो आप क्या मानेंगे दैट योर अर्लियर रोल एज जो आप एक स्टैंड अप कॉमिक के हाशिए से कह सकते थे, वो आज आप एक पॉलिटिशियन
की हैसियत से नहीं कह सकते, आपको भी अपनी लैंग्वेज पर ज्यादा ध्यान देना होगा। मैं वही कह रहा हूं बरखा जी, अगर कोई मेरी पोइट्री में से एक लाइन ढूंढ के ला दे, मैं मानता हूं आप स्कैनर पर होंगे क्योंकि आपने अमीरे शहर की आंखों में आंखें डाली हैं। मेरा एक शेर है कि जमाने भर के सारे ऐब मुझ में आ गए तब से, अमीरे शहर की आंखों में आंखें डाल दी जब से। जिस आदमी को आप दे रहे थे कि चले जाओ बाईपास दे रहे थे, सारी पार्टियां छोड़े हुई थी, एक दूसरे पर आरोप लगा रही थी लेकिन एक दूसरे को छोड़ी हुई थी, आज मैं उसके गढ़ में आके खलचल मचाए हुए हूं। आज यहां सड़क पर टोपियां ही टोपियां दिखाई दे रही हैं, गांव में लोग गले लगा रहे हैं, तो आप तो काम करेंगे भैया। कुमार विश्वास के कवि सम्मेलन मुशायरों से कवि सम्मेलन चुनाव लड़ोगे या इस बात पर चुनाव लड़ोगे कि 10 साल में तुमने इस देश की दुर्गति कर दी, इस बात पर चुनाव लड़ोगे कि राहुल गांधी ने एक सवाल नहीं पूछा पार्लियामेंट में, इस बात पर चुनाव लड़ोगे कि वो अपना सांसद निधि खर्च नहीं कर पाए, इस बात पर चुनाव लड़ोगे कि पार्लियामेंट में उनकी प्रेजेंस सबसे कम है, या इस बात पर चुनाव लड़ोगे कि 2003 में कुमार विश्वास ने जब एक कवि सम्मेलन पढ़ा था तब उसने रावण कहा था या राम कहा था। तो देश, अगर ये नेता लोग मलाई खाते हैं तो देश भी रोटी खाता है। मैं फिर आपके शो में कह रहा हूं, अभी कल वकीलों की, डॉक्टर्स की, अध्यापकों की, बाकी सबकी भावनाएं आहत होंगी कल, मैं आज ही बता रहा हूं, फिर आप कल दोबारा शो करेंगी कुमार विश्वास। अच्छा, मैंने आप पर भी जुमला पढ़ा है बरखा जी, कोई आपको भी ढूंढ के ला देगा, आपका नाम लेके भी पढ़ा है, कोई बात आज से 6-7 साल पहले आपको कोई ढूंढ के लाएगा। हमने कहा हमारी एक बड़ी पत्रकार है वो वहां खड़ी होकर रिपोर्टिंग करती है और पूछती है, मैंने करा है जुमला, ये मैंने बहुत सारे पत्रकारों को समझा दिया, मुझे पता नहीं था मैं आपसे कुमार जी, वी ऑल मस्ट हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर अबाउट आवरसेल्व्स, इंडिविजुअल्स को इतना थिन स्किन नहीं होना चाहिए। मैं भी पब्लिक आय में हूं, आप तो मेरे से ज्यादा भी पब्लिक आय में हैं, लेकिन मेरे बारे में जितने जोक्स आपको क्रैक करने आप करिए, ये एक ज्यादा डिबेट चल रहा है कि वो अब नहीं कर रहा हूं मैंने आज से 2006 में करा, कोई बात नहीं मेरा सवाल पर करें, मैं कह रही हूं इंडिविजुअल्स के बारे में है ही नहीं डिबेट, डिबेट ये है कि आर यू एज अ पॉलिटिशियन एंटी विमेन और आर यू रेसिस्ट। में एक और एक्सर्प्ट आपका, एक पुराना जोक जो आपने, आपको लगा कि ये मजाक में ही आप बोले, एक प्ले करके आपको बताना चाहता हूं। इस पे भी मल्लिका साराभाई ने कुछ सवाल खड़े किए, ये सानिया मिर्जा की शादी के बाद हमारी